आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे सुंदरकांड का अगला पार्ट, पार्ट चार है हमारा, ये भाग चार है। इसमें जो हम आपको बताने वाले हैं वो है हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता जी को देखना और फिर दुखी होना। इसके पहले वाले भाग में हमने आपको बताया जब वो विभीषण से मिलता है और उन्हें मालूम पड़ता है ये भी राम भक्त है, सज्जन पुरुष है। देखिए सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका प्रस्थान, लंका दहन से लंका से वापसी तक की घटनाक्रम आते हैं। और सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जहाँ पे सुंदरकांड सुना जाता है या पढ़ा जाता है वहाँ पे हनुमान जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं। तो चलिए हनुमान जी के अशोक वाटिका में सीता जी को देखकर दुखी होने वाला जो पूरा वृतांत है वो हम आपको बताते हैं। तो पहला चौपाई है जुगत विभीषण सकल सुनाई चलियु पवन सुत विदा कराई करि सोई रूप गयु पुनित हवा बन अशोक सीता रह जन्मा। भावार्थ है कि विभीषण जी ने सब युक्तियां क्या सुनाई, मतलब कौन सी युक्तियां, माता के दर्शन की युक्तियां, माता के दर्शन के उपाय जिसको हनुमान जी को करना था वो दर्शन। तब हनुमान जी विदा लेकर चलते हैं, फिर वही रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। पहले वाले जो मशक सरी का जो रूप था वही रूप धर के जाते हैं। देखी मन ही मोहकिन प्रणामा बैठ ही बीती चात निसी जामा कृष्णु सिस जटा एक बेनी जप्त हृदय रघुपति गुण श्रेणी। इसका भावार्थ है सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन में ही प्रणाम किया, उन्हें बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं, शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी है जो लट होता है वो सिर पे एक लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप चल रहा है, उन्हीं का स्मरण कर रही है। तो अगला दोहा है निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। भावार्थ है श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी होते हैं। मतलब जानकी जी को जो नेत्र थे वो नीचे की ओर देख रहे थे और काफी दीन थी, मतलब काफी दुखी थी, और उन्हें दुखी देखकर हनुमान जी को द्रवित होते हैं। अगला चौपाई है तरु पल्लव महरहा लुकाई करी विचार करो का भाई तेही अवसर रावण उतह आवा संग नारी बहु किए बनावा। भावार्थ है कि हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी से बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज रावण वहां पे आता है। बहुविधि खल सीत ही समुझावा साम दान भय भेद दिखावा कह रावणु सुन सुमुखी से आनी मंदोदरी आदि सब रानी। इसका भावार्थ है उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी हे सयानी सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को, तब अनुचरी करो पन मोरा एक बार बिलाकू मम ओरा तृढ़ धरी ओट कहती वैदेही सुमरी अवधपति परम स्नेही। रावण कहता है कि मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, हल्का सा पर्दा करके जिसको कहते हैं, सुनु दसमुख खगोत प्रकाशा कबहू की नलनी करे विकासा असमन समझू कहती जानकी खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। सीता जी कहती हैं, हनुमान जी सुन रहे हैं कि हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है तू ऐसा ही मन में समझ ले,
मतलब तू अपने लिए ऐसा ही समझ। रे दुष्ट, तुझे सी रघुवीर के बाण की आभास नहीं है। सत सुने हरि आने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तुही। सीता जी कहती, अरे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है, अरे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती है। आप ही सुनी खगोत सम राम ही भानु समान, परुष बचन सुनी काड़ी असी बोला अति खिसियान। भावार्थ है कि अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचन को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोलता है, सीता तय मम कृत अपमाना, कटहूं तब सिर कठिन कृपाना, नाही ते सपति मामू मम बानी, सुमुखी होत न तत जीवन हानि। रावण कहता है कि सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान लो हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रो भुज करी कर मम दस कंधर, सो भुजकंठ कि तब असि घोरा, सुनो सट अस प्रमाण पन मोरा। सीता जी कहती है, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूर के समान है, हाथी के सूर के समान कहने का मतलब पुष्ट तथा विशाल है, या तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। ये सख्त सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है, चंद्रहास, तलवार से कहती है, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और शेष धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कही नीति बुझावा, कहे सी सकल निसे चरणे बुलाई, सीतें बहु विधि त्रास हो जाए। सीता के ये वचन सुनते वो मारने दौड़ता है रावण। तब मैदानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति समझकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महू कहा न माना, तो मैं मारी भी काढ़ी के पाना, यदि महीने भर में ये कहा नहीं माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। अगला जो दोहा है वो है, भवन गयु दस कंदर यहाँ पिसाच निबृंद, सीत ही त्रास देखा वहीं धरे रूप बहुमंद। यह कहकर रावण घर चला जाता है और ये राक्षसियों के समूह बोझ से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगते हैं। अगला चौपाई है, ती जटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबन हो बोली सुन्यासी सपना, सीत ही से करोहित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वो विवेक में निपुण थी, मतलब ज्ञानी थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने मानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, खर आड़ूर नगन दस सीसा, मुंडित सर खंडित बुजनीसा। इसका भावार्थ है कि स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली, रावण नगा नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और बीसों भुजाएं कटी हुई है। त्रिजटा कहती है, यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तो प्रभु सीता बोली पठानी। तो इस प्रकार से वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, रावण की बात कर रही है। दक्षिण दिशा यम का दिशा होता है, यमपुरी की दिशा, और मानो लंका विभीषण ने पाई है, नगर में श्री रामचंद्र की जीत दोहाई है, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ये वो सपने की बात कहती, यह सपना मैं कहूं पुकारी,
हो यही सत्य गए दिनचारी, तासु बचन सुनी सब डेरी, जनक सुधा के चरण ही परी। इसका भावार्थ है, मैं पुकार कर कहती हूं कि यह स्वप्न चार दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर जाती हैं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ती हैं। इसके बाद का जो संवाद होता है वो सीता जी का और त्रिजटा का संवाद होता है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, मतलब अगले दिन बताऊंगा। ये पूरा हमारा ये सीरीज चलेगा 12 दिन तक, तो हम चाहेंगे कि आप सारे सीरीज सुनिए, इसमें आपको काफ़ी मन लगेगा और हमारे जो सुंदर कांड है उसके हर एक छंद को, हर एक चौपाई को आप अच्छी भाली बदत से समझ सकते हैं। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।